गाइज, रेशम के कपड़े किसको पसंद नहीं। रेशम के कपड़ों की कीमत मार्केट में बहुत ज्यादा होती है, तो हर ऊंचे घर का इंसान अपनी क्लास दिखाने के लिए रेशम के कपड़े पहनना पसंद करता है। लेकिन आपको बता दूं कि मार्केट में रेशम की इतनी ज्यादा डिमांड की वजह से कंपनी ज्यादा प्रॉफिट के लिए बहुत दर्दनाक तरीके से रेशम को तैयार करती है। रेशम के कपड़ों की खास बात ये है कि ये कपड़े सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडे रहते हैं, और ये कपड़े बहुत ज्यादा चमकदार होते हैं, और अपनी इन्हीं सारी खूबियों की वजह से ये कपड़े इतने महंगे होते हैं और लोग इन्हें पहनना पसंद करते हैं। तो जान लेते हैं कि आखिर रेशम बनता कैसे। तो रेशम को बनाने के लिए एक कीड़े का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है बॉम्बिक्स मोरी, और इसे दुनिया भर में सिल्क वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। बस यही एक कीड़ा है जो रेशम को बना सकता है। एक मादा सिल्क वॉर्म एक बार में लगभग 400 से 500 अंडे देती है, जिसमें से 10 दिन के अंदर बेबी सिल्क वॉर्म जन्म लेते हैं। फिर उन्हें ताजा शहतूत के पत्ते खिलाए जाते हैं, और लगभग 4 हफ्ते उनकी देखभाल करने के बाद वो पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं और वो रेशम बनाने के लिए तैयार होते हैं। जब कीड़े बड़े हो जाते हैं तो वो अपना ककून बनाने के लिए अपने मुंह से लार निकालते हैं। ये लार बाहर की ठंडी हवा में आते ही ठोस हो जाती है, और उनकी यही लार रेशम होती है। रेशम का कीड़ा लगभग 3 दिन अपनी मुंडी इधर उधर हिलाकर एक ककून बना लेता है, या कहे तो एक रेशम का गोला बना लेता है। रेशम का गोला बनते ही रेशम बनाने के लिए इन्हें खोलते गर्म पानी में डाल देते हैं ताकि ककून के अंदर जो कीड़ा है वो तड़प तड़प कर मर जाए, और फिर वो उस रेशम के गोले से रेशम का धागा बना लेते हैं। एक ककून से लगभग 1 किलोमीटर लंबा रेशम का धागा तैयार होता है, लेकिन इसके लिए बेचारे कीड़े को अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। अब कंपनी ऐसा क्यों कहती है, इसकी सिर्फ 2 वजह है। पहली वजह ये कि रेशम की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, इसलिए ज्यादा रेशम बनाने के लिए कीड़े के बाहर आने से पहले ही कीड़े को मारकर उसका रेशम बना लिया जाता है। और दूसरी वजह ये है कि रेशम का कीड़ा जब ककून को तोड़कर बाहर आता है तो बहुत सारा रेशम टूटकर बर्बाद हो जाता है, इसलिए कंपनी ज्यादा प्रॉफिट के लिए ऐसा करती है, क्योंकि रेशम की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उसकी प्राइस भी उसी हिसाब से होगी। रेशम की 5 तरह की वैरायटी होती है, मलबरी, ट्रॉपिकल तसर, ओक तसर, ईरी और मूंगा। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि इंडिया ही एक लौता ऐसा देश है जहाँ पर ये 5 तरह की रेशम बनते हैं, और भारत दूसरा ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा रेशम प्रोड्यूस होता है। लेकिन हाँ, मैंने दूसरा कहा क्योंकि पहला चीन है, और आपको बता दूं कि रेशम की खोज चीन में ही हुई थी। और चीन में रेशम की खोज कुछ इस तरह हुई थी कि 4000 साल पहले चीन की रानी श्योंगशेंग ने रेशम के कीड़े को एक बार गलती से हाथ धोने के बर्तन में डाल दिया था, और अगले दिन उसने देखा कि बर्तन में से रेशम के रेशे निकल रहे हैं। फिर उसने इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करी और फिर कीड़ों को पालना शुरू कर दिया, और फिर उस रेशम के धागे को बुनना शुरू कर दिया, और ऐसे रेशम का पहला कपड़ा तैयार हुआ। लेकिन रेशम की जानकारी चीन ने गुप्त रखी, जिसकी वजह से दुनिया भर से लोगों को रेशम लेने के लिए चीन आना पड़ता था, और इससे चीन को बहुत फायदा होता था क्योंकि रेशम बनाने की कला किसी और को पता नहीं थी। फिर कुछ टाइम बाद रेशम के कीड़ों का रहस्य 3री शताब्दी में जापान के लोगों को पता चला, और फिर लगभग 550 ईस्वी में बाइजेंटियम के राजा जस्टिनियन ने अपने 2 जासूस को चीन भेजा ताकि वो रेशम बनाने की कला जान सके, और ये दोनों जासूस लौटते वक्त एक बांस में रेशम के कीड़ों के अंडे छुपा कर लिया है, और फिर धीरे धीरे कीड़ों को पालकर उनसे रेशम बनाने की कला पूरी दुनिया में फैल गई। अगर रेशम के कीड़ों को और पाला जाए तो ये एक खूबसूरत बटरफ्लाई में बदल जाते हैं। अब आपके मन में ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि एक साड़ी को बनाने में कितने ककून की जरूरत पड़ती है, तो आप इस चीज से अंदाजा लगा लो कि एक टाई को बनाने में लगभग 120 ककून की जरूरत पड़ती है। तो आप सोच लो कि एक साड़ी को बनाने में कितने कीड़ों को अपनी जान देनी पड़ेगी। अब रेशम को बनाने का प्रोसेस तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इनकी खूबसूरती और इनकी चमक की वजह से लोगों को रेशम बहुत पसंद आता है। अब आप कमेंट करके बताओ कि आपने कभी रेशम पहना है या नहीं, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो एक लाइक जरूर करना, और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।